नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग का फर्स्ट फेज बताऊंगा, ठीक है, जिसमें दोस्तों हमारा कटिंग पाइप इंस्टॉलिंग किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास सामान अवेलेबल है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जंक्शन डिब्बी, बैंड और अर्थ वायर है अवेलेबल, जो अभी इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है, साथों साथ और पाइप भी उपस्थित है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे इसको सेट करेंगे, कैसे कहाँ पास कौन सा स्विच बोर्ड लगेगा, इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसको जो मोड है उसको पर क्लिक करके रखिए। अब दोस्तों जैसे कि हमारा जब फुट लाइट रहते हैं, ठीक है दोस्तों, जो फुट लाइट का हाइट होता है उसको दोस्तों जैसे हमारा प्लंथ लेवल से लगभग 9 इंच के हाइट पर रख देते हैं, ठीक है, ताकि 1-2 इंच अगर टाइल्स लगता है तब भी आसानी से एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो 9 इंच के हाइट पर रख सकते हैं, ठीक है इसको। अब दोस्तों जैसे कि हमारा जो इससे मेटल बॉक्स होता है 12 बे का, ठीक है, तो उसको दोस्तों हम 50 से 51 इंच के हाइट पर रख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पास 6 बे लगेगा दोस्तों कोने पर। और जैसे कि हमारे यहाँ पास डोर है फ्रंट का, तो वहाँ पास दोस्तों हम 12 बे का डाल सकते हैं, और जो हमारा खिड़की के बगल में वहाँ पास 6 बे, यहाँ पास 6 बे की डाल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पास 2 फैन बॉक्स है और 2 डीप बॉक्स छत में डाला था, ठीक है, तो दोस्तों उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि कहीं ब्लॉक तो नहीं हो। इसके पास दोस्तों हम कटिंग करके काम करने इससे। अब दोस्तों जैसे कि हम हाइट नापेंगे प्लेंथ लेवल से, तो जैसे कि हमारे दोस्तों प्लेंथ लेवल से यहाँ से लेंगे और यहाँ पास 9 इंच का हाइट मेजर कर लेंगे कि यहाँ पास हाँ इतना आ रहा है। अब दोस्तों मार्किंग करके वहाँ पास हम अपना कटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 9 इंच के हाइट पर यहाँ पास दोस्तों हम मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके पास जाते जो हमारा स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, जैसे 12 बे का, तो उसको जो 50 से 51 इंच के हाइट पर मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये 12 बे का मेटल बॉक्स है दोस्तों, ठीक है, अब इसको मार्किंग कर लेते हैं और कटिंग किया जाता है। इसी तरह जैसे हमारा टीवी वगैरह के वहाँ पर 6 बे के बोर्ड, चार्जिंग के लिए बेड के पास 4 बे के डाल सकते हैं, जैसा कि कस्टमर कहेंगे। अब दोस्तों हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग के लिए दोस्तों इस तरह का सीढ़ी आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें हमको जो शक्ति मैकेनिकल शक्ति होता है वह सही ढंग से कार्य करने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों हमको जैसे कि यहाँ पास देखिए जैसे कटिंग हो गया और ठीक है। अब इसके पास साथ दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ एसी के लिए पॉइंट दिया गया और एग्जास्ट के लिए भी दे दिया गया है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों जैसे जो कोने में डिब्बी था, जंक्शन डिब्बी, वहाँ पास से हमारा सप्लाई इनपुट होगा दोस्तों यहाँ के लिए, यहाँ से फैन बॉक्स के लिए चला गया चेक करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास चेक हम कर लिए कि वायर चला जा रहा है आसानी के साथ। अब दोस्तों जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों जो यहाँ पास 8 बे का हमारा MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। अब दोस्तों यहाँ पास एक इनपुट का डिब्बी है और एक आउटपुट का। अब दोस्तों जो बीच से यहाँ पास गया है वह कहाँ चला गया है, यह बाहर बेंड लग के निकल गया है, वहाँ पास 4 बे का मेटल बॉक्स है दोस्तों। प्लास्टर अभी प्री प्लास्टर करना भी मैं MCB के बचा था, ठीक है, तभी शूट कर रहे थे दोस्तों। यहाँ पास हम लोगों ने बैंड ड्रॉप था तो डबल मैच कर दिए ताकि कहीं से भी हमको वायर डालने में आसानी हो सके। अब दोस्तों जैसा कि हम और आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था 12 बे के मेटल बॉक्स हम दरवाजे के बगल में ही कर रहे थे, वहाँ पास 12 बे का मेटल बॉक्स दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके पश्चात जैसा कि हमारा जो फुट लाइट है, यहाँ पास देखिए ये जो हाइट है प्लेंथ लेवल से 9 इंच के हाइट पर दिया गया है यहाँ से, ठीक है, ये हाइट 4 बे का मेटल बॉक्स लगता है फुट लाइट में, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, तो कोने पर एक जंक्शन डिब्बी दोस्तों देना ज़रूरी होता है, और उसके बगल में तो 12 बे का मेटल बॉक्स है ताकि एक फ़ैन और 2 सॉकेट यहाँ पास लोड रहेगा फुट लाइट वगैरह का। अब दोस्तों उसके बगल में जैसे कि हम जब इस रूम से उस रूम जाते हैं तो एक जंक्शन डिब्बी का सहारा लेके और दीवार को होल करके और जो पाइप होता है 1 इंच का, जो जंक्शन डिब्बी होता है उनके बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है और वायर हमारा आसानी से इस रूम और उस रूम चला जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। और जब हम आगे बढ़ते दोस्तों, जो दरवाजे के बगल में जो है जैसे कि मैंने बताया था 12 बे का मेटल बॉक्स दिया गया है, ठीक है, उसके नीचे फुट लाइट है। अब दोस्तों और आगे बढ़ा है हमारा कार, तो बेंड लग के आगे गया है, वहाँ पास 6 बे का मेटल बॉक्स दिया गया है टीवी वगैरह के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्क किया जाता है अंडरग्राउंड वायरिंग में, कस्टमर से पूछ कर। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।